दोस्तों नमस्कार। अगर आपका योनो SBI में लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखते हैं तो आपका लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको टिप्स बताने वाला हूं कि आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि इस दिन अगर आप लॉगिन करेंगे तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। योनो SBI में आपका लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और लेट से लॉगिन हो रहा है। मुझे बहुत सारे व्यक्ति का कमेंट आया है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको क्या है सही तरीका लॉगिन करने का अगर आप योनो SBI यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप सेटिंग में भी जा सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन योनो एप्लीकेशन को थोड़ी सी दबा के रखेंगे एक मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ पर ऐप्स इन्फो मिल जाएगा, आप सेटिंग में जा के भी खोज सकते हैं ऐप इन्फो। उसके बाद आप यहां पे देखिए इंटरनल स्टोरेज पे आएंगे, इसके बाद यहां पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद दो आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर केस का, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ऊपर में देखिए क्लियर डाटा है तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्लियर डाटा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप फोर स्टॉप कर देंगे, तो जैसे ही फोर स्टॉप पर क्लिक करेंगे ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि अभी तक में जितने भी बार आपने लॉगिन किया सारा डाटा यहां से आपका डिलीट हो चुका है। अब बिल्कुल नया फ्रेश योनो SBI एप्लीकेशन बन चुका है कि आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और इस बात को आप ध्यान देना है कि आपके फ़ोन नंबर पे अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज हो, यानी कि आप SMS किसी को भेज सकते हैं वो वाले आपके फ़ोन में रिचार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोकेशन ऑन कर देंगे और यहाँ पे देखिए एग्जिटिंग SBI कस्टमर के ऊपर क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे। उसके बाद SIM 1 SIM 2 है, तो आपके फ़ोन में जितने भी सिम होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज होनी चाहिए, सिम को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, SIM 2 पे मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सिम वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि फ़ोन नंबर को मेरा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको थोड़ी सी वेट करना पड़ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मेरा मोबाइल जो नंबर है, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव ये वेरीफाई हो चुका है और योनो रजिस्ट्रेशन के लिए ये तैयार हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे, इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, तो यहाँ पे हम OTP इंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कहा जाएगा सेट न्यू MPIN बनाने के लिए, तो चलिए हम यहाँ पे सेट न्यू MPIN बना देते हैं। तो फिर से चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, तो ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है योनो SBI सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे लॉगिन करके भी आपको दिखा देते हैं। योनो SBI पे हम क्लिक कर दिए, आप देख सकते हैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, MPIN यहाँ पे इंटर करेंगे, इसके बाद मेरा जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं, अभी जो मैंने भी करके आपको दिखाया, तो इस तरह से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई और अलग से प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।